दोस्तों कल दीपावली है और दीपावली के लेके देखिए मैं सेकंड फ्लोर पर अभी रूम में पीओपी करवा रहा हूँ, पुट्टी करवा रहा हूँ और पीओपी का भी काम करवाया हूँ। देख रहे हैं आज मिस्त्री सभी काम करने के लिए नहीं आया है और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ऊपर जो डिजाइन बना है और अभी तो पूरा फिनिशिंग नहीं हुआ है, सिर्फ पुट्टी मारा है। देखिए आगे कैसे फिनिशिंग ये करेगा। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए फ्रंट साइड से रूम है तो इसमें दोनों तरफ गेट है, इधर भी गेट है और इधर भी गेट है। आप देख रहे हैं ये सेकेंड फ्लोर पर चार बेडरूम है और ये डाइनिंग हॉल हो गया। देख रहे हैं ये डाइनिंग हॉल है और ये जो आप देख रहे हैं वो दूसरा रूम है। दूसरा रूम के बाद ये आपको हो गया तीसरा रूम, इसमें भी लगभग सभी रूम में जो है सो पुट्टी का काम और पीओपी का काम हो चुका है। देख रहे हैं ऊपर भी आप डीएन है पीओपी का, कोना सब में भी है, सब जो है सो रेडीमेड पल्ला लगा हुआ है कि किवाड़ सब में। मिस्त्री को भी बोले थे लेकिन ये उतना बचा नहीं पाया है, सब पर जो है सो पीओपी और पुट्टी का दाग लगा दिया है सब किवाड़ पर। देख रहे हैं ये चौथा रूम है, इसमें भी पुट्टी का काम हो चुका है, अभी विंडोज खिड़की सब नहीं लग पाया है। इसमें भी ऊपर का डिजाइन बना दिया है और ये आपको बाहर इसमें लॉबी में बैठने के लिए जो है गेट है। आगे का जो रूम है उसमें दो साइड से दीवार है। देखिए ये जो है पूजा घर है जिसमें अभी सकरनी का जो है पीओपी के लिए माल रखा हुआ है और ये आपको पूजा घर हो गया, इसमें पीओपी का माल रखा हुआ है। देख रहे हैं और अभी जो बाथरूम है वो बन ही रहा है, अभी प्लास्टर ही हो रहा है, इसको भी मैं दिखाता हूँ। देखिए ये बाथरूम है जो इसमें अभी प्लास्टर का काम चल रहा है। दीपावली लेके परेशानी में है, अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया है और ये नीचे उतरने के लिए सीढ़ी है और ये ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी है। देख रहे हैं देखिए इधर भी काम धंधा के चलते हर जगह सामान इधर से उधर फेंका हुआ है जिसको हम लोग अभी अच्छा नहीं कर पाए हैं। कल दीपावली है और मैं सोचा जो दीपावली के शुभ अवसर पर जो हम घर बना रहे हैं सेकंड फ्लोर उसमें भी आपको दिखा दें। देखिए इसमें अभी काम थोड़ा बाकी है और दीपावली लेके मिस्त्री सब भी नहीं आया है। दोस्तों मैं प्रमोद कुमार खजुली मधुबनी से हूँ और आज मैं अपने सेकंड फ्लोर जो बना रहा हूँ वो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ और दिखाया भी हूँ। आप देख रहे हैं कि कल दीपावली है, कल धनतेरस था फिर भी मैं मार्केट नहीं जा पाया। आज जो है सो मैं सोचा था कि मार्केट जाऊँ लेकिन अभी तक मार्केट जाने का समय नहीं मिल पाया है, कल मैं मार्केट निकलूँगा। कहे तो अभी हम दो चार दिन से जो इसी के पीछे जो है परेशान है जिसके कारण कोई काम नहीं हो पा रहा है आगे का,
आप देख रहे हैं मेरा घर जो है सो एकदम रोड साइड में है और ये अभी मैं सेकंड फ्लोर पर खड़ा हूँ। देख रहे हैं बाहर का जो दृश्य आप देख रहे हैं। आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज मैं सोचा कि आप लोगों को अपना जो घर है जो सेकंड फ्लोर अभी हम बना रहे हैं वो आप लोगों के सामने रखूं और दिखाएं जो घर बना रहा हूं। तो आप देख रहे हैं और मेरे घर के बगल में दिखाऊंगा और दिखाता हूं कि उस साइड से आपको कुछ नहीं है, थोड़ा हम लोग के घर से हटके है घर। आप खिड़की से देख रहे हैं अभी जितना लेबर डाल रहा है काम में, अगर उतना लेबर 10 दिन 15 दिन रहे तब जाके रूम फिनिश होगा। अब अभी देख रहे हैं ना खिड़की का काम हुआ है, सब जो है सो जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। फिर अगर ये पीओपी हो जाता है तो फिर इसमें सरेस मारा जाएगा, सरेस मारने के बाद फिर इसका कलर शुरू होगा। और ये तो हम लोग देहात में रहते हैं इसीलिए मिस्त्री टाइम दे के भी नहीं आता है। आज मिस्त्री सब बोला था आएंगे लेकिन नहीं आया, थोड़ा हम भी नहीं कुछ बोल रहे हैं कि कल दीपावली है सबको काम है, जैसे अपना दीपावली वैसे सभी का दीपावली। मैं आपको अपना ब्लॉग के माध्यम से अपना घर दिखाया हूँ और मैं अपने घर का रोड दिखाता हूँ। देखिए मेरे दरवाजे का ये सीन है, आगे रोड है, देख रहे हैं। और मेरा एक देखिए पड़ोसी बन रहा है जिसका मकान जो है अभी बन रहा है। मैं अगले पहले वाला वीडियो में बताया था जिस समय में मैं उस गाड़ी पर फल गोभी का जो पेड़ रोपने के लिए गया था तो मेरा घर उधर था, उधर बाढ़ एरिया है इसीलिए हम लोग अपना नया घर जो है तो इधर ही बनाए हैं। हम देख रहे हैं आगे रोड पर गाड़ी जा रही है, रोड के साइड में ही मेरा घर पड़ता है। यहाँ से जो है बाजार की दूरी खजौली का दूरी जो है सो लगभग 3 किलोमीटर है। और मैं कल मार्केटिंग जाऊँगा तो आपको फिर मैं अपने निकटतम बाज़ार जो है वहाँ का दृश्य दिखाऊंगा। तो हम लोग का बाज़ार भी कोई सिटी नहीं है, छोटा सा बाज़ार है जिसमें लोग अपने ज़रूरियात सामान के लिए बाज़ार जाके ले आते हैं। देख रहे हैं आज का ब्लॉक में सोचा जो अपने घर का ही बनाऊं। देहात का घर तो ऐसा ही होता है, सिटी में तो अच्छे अच्छे मिस्त्री भी मिल जाते हैं लेकिन देहात में खोजने के बाद भी नहीं मिलता है, बहुत ढूंढ के लाना पड़ता है मिस्त्री को। और जैसा फिनिशिंग चाहिए उस फिनिशिंग में भी कमी हो जाता है, क्या करेंगे, मजबूरी में सब बर्दाश्त करना पड़ता है। पैसा तो खर्चा होता है लेकिन हर ढंग का जो है सूरत नहीं हो पाता है। और आप देख रहे हैं बगल में आगे जो है सो मेरे घर के बगल होके कोसी का नहर जो है सो निकला हुआ है जो आप यहाँ कुछ दूरी पर देख रहे होंगे। मेरे घर के बगल में ही मंदिर है, आप देख रहे हैं मंदिर का भी दृश्य आपको दिखाई देता होगा। तो दोस्तों आपको
आज मैं अपना जो सेकंड फ्लोर बनाया हूँ बना रहा हूँ उसका ब्लॉग में आपको मैं दिखाया हूँ। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे है कि बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मैं जो भी ब्लॉग लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो दोस्तों, फिर अब मैं, कल दीपावली है और घर की तैयारी भी करना है, समय का भी कमी है, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मैं कल मार्केट जाऊँगा तो अपने मार्केट का जो है दृश्य दिखाऊँगा कि मैं, छोटा सा मार्केट है, आज तो फुर्सत नहीं मिला है, लेबर सब नहीं आया है, इसीलिए थोड़ा कुछ जो है सुझारू बहारू करना है। कल फिर मैं आपको आगे का ब्लॉक में दिखाऊंगा अपने बाजार का सीन। आज का वीडियो ब्लॉक मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।